हाय फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ होलिका दहन के शुभ अवसर पर अलग अलग तरह के पकौड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए ये हरे प्याज ले लिए हैं 4-5, एक बैंगन, एक आलू और ये फूलगोभी है, एक कद्दू और ये पत्ता गोभी। सभी को हम धो के, छील के, धो के अच्छी तरह और उसको छोटे छोटे पीस में हम काट लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बेसन घोल देते हैं। पहले हम बेसन घोलेंगे। इसके लिए 2 कप लेंगे बेसन। वन फोर्थ चावल का आटा क्रंची बनाने के लिए। अगर जो आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल भिगो के पीस के फिर डाल सकते हैं, उससे भी वही टेस्ट आएगा जो इससे आएगा। साथ में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती। इन सभी चीजों को हम पानी डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा बैटर गीला ना हो। घोल बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके का हमें घोल चाहिए। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट तक। आलू चॉप बनाने के लिए 3 हम बड़े आलू ले लिए हैं बॉईल किया हुआ, और जब तक हमारा बैटर फूल रहा है तब तक इन सारी सब्जियों को हम काट लेते हैं। सारी सब्जियों को हम काट लिए हैं। अब देखिए कद्दू को और बैंगन और आलू, ये तीनों को हम पानी में डाल दिए हैं ताकि काला नहीं पड़े, और ये पत्ता गोभी, फूल गोभी और ये हरा वाला प्याज, इसको भी काट के रख लिए हैं। अब एक हम बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें ये बॉईल किया हुआ आलू डाल देते हैं। अब इसको हम मैश लेंगे। अब इस आलू में हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम हाथ में तेल लगा लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, एक नींबू के आकार के, और ऐसे इस तरीके से टिक्की बना देना है। इसको टिक्की बना के रख देना एक प्लेट में। इस तरीके से हम सारे टिक्कियां बना के रख लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें हम रिफाइंड डाल दिए हैं। अब देख लेते हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। गर्म हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए ऊपर आ गया बेसन। अब इसमें डालेंगे ये बैंगन कटा हुआ, और एक एक करके डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से कोटिंग कर देते हैं बेसन के चारों तरफ। इसको हम पलट के देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। सारे को पलट लेते हैं इसी तरीके से। बैंगन बहुत ही जल्दी पक जाता है इसलिए इसको मीडियम आंच में रखेंगे। इसी तरह इधर भी हम कर लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ अच्छी तरह से पक गए हैं, बहुत अच्छा क्रिस्पी भी हुआ है। चावल के आटे डालने से, उसकी जगह चावल के आटे नहीं है तो आप सूजी भी डाल सकते हैं, उससे भी ऐसे ही कुरकुरापन होगा। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। अब इसी बैटर में हम डाल देंगे एक कद्दू कटा हुआ, और इसको भी एक एक करके डाल देते हैं। अब सारे कद्दू डाल दिए इसमें। अब हम आंच को मीडियम कर देते हैं।
अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं। एक तरफ से पक गया है, तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह लाल भी हो गए। अब इसे हम निकाल देते हैं। अब इसी गोल में डाल देंगे आलू कटा हुआ, और उसके भी उसी तरीके से डाल देते हैं कढ़ाई में दोनों तरफ से कोटिंग करके। आलू थोड़ा देर से पकता है इसीलिए हम लो टू मीडियम रखेंगे आंच, नहीं तो तेज रखेंगे तो आलू कच्चा रह जाएगा। अब इसे भी पलट के हम देख लेते हैं। एक तरफ से बिल्कुल हो चुका है, और सारे को हम पलट लेंगे इसी तरीके से। अब देखिए दोनों तरफ से पक चुके हैं आलू, और देखिए दोनों तरफ से कलर अच्छा आया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी खोल में डाल देते हैं ये आलू का टिक्की जो हम बनाए थे वो, इसको भी हम इसी तरह लपेट देंगे चारों तरफ। अब हम आंच को मीडियम कर देते हैं। अच्छी तरह ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी बॉल में डाल देंगे ये गोभी कटा हुआ, और इसको भी कोट कर देते हैं। आंच हम धीमी कर दिए बिल्कुल। अब हम आंच को मीडियम कर देते हैं, और जब तक गोभी का पकौड़े हमारा बन रहा है तब तक ये कटा हुआ पत्ता गोभी इस बची हुई बेसन में डाल देते हैं। अब प्याज जो हम काट के रखे थे वो भी डाल देते हैं, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। गोभी बिल्कुल पक चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब बैटर में जो डाले थे हरा प्याज और पत्ता गोभी उसके भी पकौड़े बना लेते हैं। पत्ता गोभी पकौड़े को पलट देते हैं। पत्ता गोभी और प्याज के पकौड़े भी हो गए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। होलिका दहन की पकौड़ी तैयार है। अब इसे हम ये सर्व करेंगे इमली की चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ। अब आप चाहे तो टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर जो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।